हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस नॉलेज में। दोस्तों, आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी आ गई। फॉरेस्ट गार्ड की जो है वैकेंसी यूपीएससी के थ्रू निकली हुई है। अगर आप उसमें जाना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका, आप उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे साथ इस स्टूडियो में बने रहिए, आपको जो सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, फॉर्म फिल कैसे करना है, फॉर्म की एलिजिबिलिटी क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जो आपकी हर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम लोग बात कर लेते हैं वैकेंसी की। दोस्तों, ये वैकेंसी जो है यूपीएससी फॉरेस्ट गार्ड एंड वाइल्ड लाइफ गार्ड रिक्रूटमेंट 2019 उत्तर प्रदेश सुपरिटेंडेंट सर्विस सेलेक्शन कमीशन की तरफ से निकली हुई है। दोस्तों, सब इसके बाद हम लोग दोस्तों जान लेते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ी। दोस्तों, इसकी एप्लीकेशन फ़ी जो है जनरल ओबीसी के लिए 185 रुपये रखा गया, एससी एसटी के लिए 95 रुपये, पीएच फिजिकल हैंडीकैप के लिए 25 रुपये रखा गया। इंपॉर्टेंट डेट जो है दोस्तों, इसकी स्टार्टिंग डेट जो है 18 जून 2019 से ये जो स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट जो है 8 अगस्त 2019 से जो है इसकी अप्लाई करने की है। फ़ी पेमेंट करने की लास्ट डेट जो है 8 अगस्त रखी गई है। ऑनलाइन फॉर्म में अगर आपका कुछ गलती हो गया तो उसको सुधारने की डेट जो है 16 अगस्त तक आप उसको सुधार सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं इसकी एज लिमिट की। एज लिमिट जो दोस्तों इसमें होना चाहिए, मिनिमम आपकी 18 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है 40 ईयर होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो है एस सी एस टी के लिए 5 ईयर का रखा गया है, ओबीसी के लिए 3 ईयर का रखा गया है। जॉब लोकेशन जो होगी दोस्तों, वो आपकी होगी उत्तर प्रदेश। इसके बाद दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की। दोस्तों, इस ये जो 655 पोस्टों के लिए ये जो है वैकेंसी निकली हुई है। इसके बाद दोस्तों, हम लोग जान लेते हैं पोस्ट नेम। पोस्ट नेम तो जैसा हमने आपको पहले बता ही दिया, फॉरेस्ट गार्ड एंड वाइल्ड लाइफ गार्ड की ये वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी की डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों, इसमें जो है जनरल कैटेगरी के लिए 415 सीटें रखी गई हैं, ओबीसी के लिए 134 सीटें रखी गई हैं, एससी के लिए 93 सीटें रखी गई हैं, एसटी कैंडिडेट के लिए 13 सीटें रखी गई हैं। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे स्केल के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो है 5,200 रुपये से लेके 20,200 रुपये पे स्केल है। ग्रेड पे जो है 2,000 से लेके मैट्रिक्स लेवल 3 विल बी एप्लीकेबल होगा आपका। इसके बाद दोस्तों, क्वालिफिकेशन की बात कर ली इसमें दोस्तों, तो इसमें जो है क्वालिफिकेशन आपका 12th पास होना जरूरी है। अगर आपने 12th पास किया तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अगर आप 12th पास नहीं है तब आप इसमें फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों, हम लोग फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। दोस्तों, इसमें जो है मेल कैंडिडेट की हाइट और जनरल मेल कैंडिडेट जो है जनरल ओबीसी और एससी कैंडिडेट की उनकी हाइट जो है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एसटी कैंडिडेट की हाइट जो है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट की हाइट जो है जनरल और ओबीसी एससी कैंडिडेट की 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एसटी कैंडिडेट की जो है 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट का जो चेस्ट होना चाहिए वो जनरल ओबीसी एससी तीनों का जो है 84 सेंटीमीटर होना चाहिए और एसटी का जो है 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। और मेल कैंडिडेट का वेट जो है 45 से 58 केजी होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर जो है इसको अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों, अप्लाई करने के लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दोस्तों एक फ़ोटो और आपका एक सिग्नेचर लगेगा। उसके बाद दोस्तों, हम लोग जो है इसकी जो है मोड ऑफ़ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। दोस्तों, सिलेक्शन जो होगा पहले आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। एग्ज़ाम जो है आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों हो सकता है। उसके बाद जो है आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। ये दोस्तों इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी प्रकार का भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, जय हिंद।